Hello everyone, Namaskar. Welcome to my channel's VS Education's Hub. In this video, I am here to discuss English vocabulary from the Hindu editorials. My dear aspirants, regular basis pe every day mornings mein aapka sessions hota hai. तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा सेशंस. अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी वर्ड्स नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा. ओके, स्टार्ट करता हूँ आज का सेशंस. एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुँचे एंड देन अच्छा लगे, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा. ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, एसबीआई क्लर्क के एग्जाम्स में मैं जो वर्ड्स प्रोवाइड करता हूँ उनमें बहुत से वर्ड्स पूछे गए थे. मैं एक वीडियो आपको दूंगा सारे की सारी वोकैबुलरी जो एसबीआई क्लर्क में आई हुई है. अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसमें मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से वर्ड्स पूछे गए थे. सारे वीडियो, सारे वर्ड्स एक ही वीडियो में आपको बताऊँगा, और कहाँ से पूछे गए ये भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा. ओके, तो प्लीज़ आप ध्यान से बने रहिएगा. अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा. ओके, तो इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं, एसबीआई क्लर्क जिनका एग्जाम से 8th of March को, उनके लिए तो ये फ्रूटफुल है ही, बट अदर एग्जाम्स के लिए भी एसएससी का को या बैंकिंग के अदर एग्जाम्स हो गए उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो इस वीडियो में ओनली फॉर अपन वर्ड्स डिस्कशंस करेंगे प्लस सेंटेंस के साथ, और जो इंपॉर्टेंट न्यूज है राइट, जिससे आपके जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनका मेंस का एग्जाम्स होगा, आरबीआई का, एसबीआई क्लर्क का मेंस होगा, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, ध्यान से देखिएगा. आइए स्टार्ट करता हूँ सेशंस को. फर्स्ट मैं आपको बता दूं, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिविजन्स का सेशंस, उनमें से बहुत से वर्ड्स कल भी ही देखने को मिले थे. कल मैंने मॉर्निंग्स में अपलोड किया था, बट जिनका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट जो थे, उनमें से बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो देखने को मिले थे. तो प्लीज़ अगर आपका एग्जाम्स 8th of March को है, तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा. पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे वर्ड्स मैंने वहाँ पर दिए हैं. ओके, थर्ड पे आइए, अपने आज की मोटिवेशन कोड क्या कहती है. देखिए, आज आपको मालूम है 2nd of March 2020, आज सभी का दिन मंगलमय हो. इसी कामना के साथ मोटिवेशन कोड क्या कहती है, देखिए, समझदार बनिए. आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप इसका यूज़ नहीं करना. यूज़ कैसे करना है, किस टाइप से करना है, किस बेसिस पे इसको प्लानिंग से यूज़ करना है, ये आपको पता नहीं होगा. सोर्सेज तो बहुत से स्टूडेंट्स के पास होते हैं जो ड्यूएबल से अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शंस नहीं होता. बट एक जो गरीब, एक तरह से गरीब बच्चा है राइट, जो अफोर्ड्स नहीं करता, क्लासेस अफोर्ड्स नहीं करता, टर्सरीज अफोर्ड्स नहीं करता, बट उसका भी सिलेक्शंस हो जाता है. बट उसका यूज़ में मैटर करता है, वो किस टाइप से इसको यूज़ करता है और वो किस टाइप से इसको यूज़ करता है राइट. तो याद रखिएगा, आपके पास जो सोर्सेज है उसको इस्तेमाल करने की आपको तकनीक, योजना, प्लानिंग्स आपको आनी चाहिए, तभी आप सक्सेस के मुकाम तक जाएंगे. मायने नहीं रखता आपका धन, आपके पास धन कितना है, मायने नहीं रखता आप धन के बल पर कितनी चीज परचेज कर सकते हैं. आप उसको यूटिलाइज नहीं करना जानते तो आपके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं आपका कोई मैटर्स नहीं है उसमें. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर मोटिवेशन स्कोर थी. नेक्स्ट आइए इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसमें से आपके जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं. जीके के क्वेश्चंस बनेगा 100% बनेगा, क्योंकि मैं ऐसे न्यूज प्रोवाइड करता हूँ जिसमें क्वेश्चंस 100% बनते हैं. ओके, देखिए, फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है जीएसटी कलेक्शंस. बैंकिंग एस्पिरेंट्स प्लीज लिसन टू केयरफुली, बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है. जीएसटी कलेक्शंस इन फरवरी अप बाई 8% एट 1.05 लाख करोड़ रुपए. ये आपका जो 8% लास्ट मंथ का नहीं है, ये लास्ट मंथ जो आपके लास्ट ईयर का फरवरी मंथ था राइट, पिछले साल का जो फरवरी में हुआ था उससे 8% हाई हुआ है. आपकी बार 1.05 लाख करोड़. याद रखिएगा, टारगेट मीन्स आपका ये जो आंकड़ा दे रहा हूँ ना मैं, ये आपको नोट्स कर लेना है या याद रखना है, जो आपको सूटेबल से लगे, जो आपको लगे कि मेरे को इससे याद रहता है वो आप याद कर सकते हैं. ओके, जीएसटी कलेक्शंस फरवरी में 1.05 लाख करोड़ था, क्वेश्चंस यही बनेगा. जीएसटी कलेक्शंस फरवरी मंथ में कितना हुआ या लास्ट ईयर के फरवरी मंथ से कितना इंक्रीजिंग है, ये आपका बन सकता है. तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड. मूविंग ऑन, चलता हूं नेक्स्ट पे.
नेक्स्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चंस आपका प्रिंट हो गया है, एक तरह से टाइप हो गया ये क्वेश्चंस, तो ये समझ लीजिए। महातीर आउट एज ए फॉर्मर मिनिस्टर इज नेम्स मलेशियाज पीएम, राइट। जो महातीर मैंने एग्जांपल्स आपको कटिंग्स दी दिखाई थी कुछ दिनों पहले, जो वहाँ की मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से उनका एक रेजिग्नेशन से यानी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब न्यू प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं, राइट। ये बने हैं मोहिदीन यासीन, ये बने हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में मेजोरिटी आपकी एक तरह से कह सकते हैं मेजोरिटी बता दी है, अब ये प्राइम मिनिस्टर से मलेशिया के, ओके। मलेशिया की कैपिटल्स आपकी कोलालंपुर है, रिंगित वहां पर करेंसी चलती है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। मूविंग ऑन चलें, आई होप सो गाइस यहाँ तक आपके क्लियर हुआ होगा, समझ में आया कुछ भी, कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट आइए आपके आर्टिकल्स पे, देखिए आज मैंने आर्टिकल्स दोनों आर्टिकल्स पे जो वोकैबुलरी निकाली है, अच्छी वर्ड्स हैं, ध्यान से देखिएगा पूरे के पूरे वर्ड्स, उसका सिनोनिम्स क्या है, उसका मीनिंग्स क्या है, उसका सेंटेंस क्या है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश में वीक हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। फर्स्ट आपके आर्टिकल्स है अ बिग डैड डील्स, राइट, अ बिग बैड डील्स, बहुत बड़ी एक डील्स है लेकिन बहुत ही बुरी एक डील है। आपको मालूम होगा अमेरिका जो तालिबानी ग्रुप्स हैं उनके दोनों के बीच में एक डील हुई है, राइट, अमेरिका ने डील की है, तो इसके बेसिस पे ऑब्जेक्शंस एक तरह से उठ रहे हैं, राइट। आपके जो आर्टिकल्स में राइटर है वह कहना चाहता है कि अमेरिका ने बहुत से ऐसे सेंक्शंस लगाए हैं तालिबानी ग्रुप्स पे, राइट, तो उसके बेसिस पे अब डील क्यों की गई है, राइट। ये क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस यही है, तो आप बाकी का पूरा आर्टिकल्स पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। अब फिर भी कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, देखिए मैं बताने लगूँ तो पूरा का पूरा वीडियो इसी में ही चला जाएगा, तो आप पढ़िएगा, आपको कोई डाउट्स लगे तो टाइप कर दीजिएगा। सेकेंड आर्टिकल से आपके वायरल इकोनॉमी, देखिए एट प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है आपको मालूम होनी चाहिए, कोरोना वायरस जो चीन से फैला था, जो चीन की चाइना की इकोनॉमी आपको मालूम है बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं डाउन सिचुएशंस में है, बहुत ही बुरी सिचुएशंस में चाइना की इकोनॉमी, बट अदर कंट्रीज में भी इस टाइप के वायरस जो फैल देखने को मिले हैं, अपने इंडिया में भी केरला में कैसे देखने को मिले थे, तो उसके बेसिस पे इस टाइप की जो इस पे जो स्प्रेडिंग हो रही है, हाइट, तो उसकी बेसिस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ताकि जो ज़्यादा एक तरह से भारी मात्रा में बढ़ गया तो इसको काबू करना, इसको कंट्रोल्स करना बहुत ही मुश्किल होगा, तो उसके बेसिस पे इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, एक तरह से कह सकते हैं अभी भी पड़ रहा है। आपने दिखा होगा इंडिया की ग्रोथ रेट अभी 4.7% है, राइट, जो जैसे डिक्रीज हो रही है, तो उसके बेसिस पे कोरोना वायरस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ सकता है अगर इसको नहीं रोका गया तो, ओके। मूविंग ऑन चलता हूँ नेक्स्ट पे, ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स थे, आइए चलते हैं वोकेबलरी पे, देखिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ आप शेयर कर दें सेशंस को ताकि स्टूडेंट तक पहुँचे जिनका एग्जाम्स से 8 मार्च को या अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है क्रिपल्ड, आपके एडजेक्टिव्स था इनकी डिफिटलाइजेशन एंड इम्पल्स, राइट, एम्बेलस, इम्बेसाइल्स, राइट, बहुत ही अच्छा वर्ड से क्रिपल्ड, इट मीन्स अपंग जिसको आप कहते हैं ना हिंदी में, अपंग जिसको कहते हैं, राइट, उसको कहते हैं आपके क्रिपल्ड, एडजेक्टिव की तरह यूज था डिविटलाइजिंग एंड इम्बेसाइल्स, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका देखिए सेंटेंस देखिए, इन ट्रेन देयर आर स्पेशल सीट्स फॉर क्रिपल्ड पीपल्स, आपको मालूम है जो विकलांग होते हैं उनके लिए स्पेशल सीट बनाई गई है ट्रेन में, ओके। नेक्स्ट आपका कॉन्वल्स आपके टू सैक वायलेंटली, राइट, द अपोजिंग टीम वर सो कन्वल्स्ड विथ लाफ्टर दैट दे आर ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू हिट द बॉल, राइट। इंसर्जेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, इंसर्जेंट, इट मीन्स रीबल्स एंड डिफियंट समथिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, इट मीन्स विद्रोही जिसको आप कह सकते हैं ना, इट्स कॉल बी इंसर्जेंट।
Many people shows insurgent nature against the CAA and the Citizenship Amendment Act. Okay. नेक्स्ट आपका प्लंज, इट मीन्स एंट्री एक्सेस, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेगेटिव सेंस में इसका यूज होता है, जबरदस्ती तरीके से नीचे डाउन का सिचुएशंस में, उसको कहते हैं प्लंज। चाइनाज इकॉनमी, चाइना की जो इकॉनमी है आर डिप, यानी कि बहुत ही डिप तरीके से प्लंज ड्यू टू द कोरोना वायरस। ओके। स्टम्पेड, बहुत ही अच्छा, इट मीन्स ब्लॉट बोल्ट एंड रन एंड चार्ज समथिंग, राइट। स्टम्पेड वर्ब की तरह याद कर लीजिएगा। Several people have died last week in Kumbh Mela stampede. Okay. अगर अगर इट मीन्स प्रोग्नोस्टिकेट, प्रोग्नोस्टिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट मीन्स भविष्य जिसको कहते हैं ना बतलाना, उसको कहते हैं अगर। ओके। With interest rate, with interest rates set to fall in the medium terms, this must augur well for values. Well, okay, that is the words. I hope so guys clear हुआ होगा, समझ में आया आपको words, अच्छे लग रहे हैं कि हाँ सर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो please comment box में जरूर type करें कि समझ में आ रहे हैं। Okay. नेक्स्ट आपका डेस्परेशन, इट मीन्स डिस्पेयर समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाउन की तरह याद कर लीजिएगा। द एक्शंस ऑफ इंसर्जेंट पीपल्स इन दिल्ली इज डेस्परेट इन नेचर्स। ओके। ये यहाँ पर होगा येलो, मैंने इंसर्जेंट पर क्लिक कर दिया, याद कर लीजिएगा। कॉलेशंस, इट मीन्स टिंक्चर्स एंड यूनियन, टिंक्चर्स बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, इसका वर्ड से आपका यूनियन संघ संबंधित उसको कहते हैं। बीजेपी मेक अ कॉलेशंस गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। ओके। बॉयकॉट, इट मीन्स एस्ट्रेंज इन समथिंग, राइट। एस्ट्रेंज एस्ट्रेंज समथिंग एक तरह से कह सकते हैं, जो आपकी जो किसी चीज का बहिष्कार करता हो उसको बोलते हैं आपकी बॉयकॉट। गांधी जी स्टार्टेड द बॉयकॉट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश, मतलब कि गांधी जी हैं, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, गांधी जी है। ओके। गांधी जी स्टार्टेड द बॉयकॉट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके। नेक्स्ट आपका इम्यून, इट मीन्स एग्जीक्यूटिव टाइम की अनफेटर्ड समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इस वर्ड्स को, इम्यून। ओके। आर बिजनेस इज फार फ्रॉम इम्यून टू इकोनॉमिक कंडीशंस, राइट। बैनेस, इट मीन्स डिस्पेल समथिंग, रेलिगेट समथिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड है बैनेस। ओके। Government regulations did not end in equality or banish corporate influence in politics, right? बहुत ही अच्छा वर्ड से influence, आपके मीन्स होता है प्रभावी, right? किसी का प्रभाव हो, इफेक्ट हो, इट्स कॉल्ड बी इन्फ्लुएंस। ओके। तो ये आपके थे 11 वर्ड्स, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, समझ में आया, एक भी वर्ड्स आपने सीखा है कि सर हाँ ये वर्ड्स मैंने सीखा है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, इस टाइप के रेगुलर बेसिस पर वीडियो एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो आपको मिलती रहेगी। ओके। नेक्स्ट आपका देखिए, अपन रिविजन्स कर लेते हैं सारे वर्ड्स का एक साथ। देखिए फर्स्ट वर्ड्स आपके सामने है क्रिपल्ड, इट मीन्स आपके एडजेक्टिव के थ्रू तो याद कर लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच डेविटलाइज एंड इम्बेसिल समथिंग, राइट। जो अपंग हो उसको कहते हैं इट्स कॉल्ड बी क्रिपल्ड। कन्वल्ज, इट मीन्स वर्ब के थ्रू यानी कि टू सेक वायलेंटली। ओके। इंसर्जेंट, इट मीन्स आपके रिबल्स एंड डिफेंट समथिंग, बहुत ही अच्छा वर्ड से इंसर्जेंट, नाउन के थ्रू तो याद कर लीजिएगा। प्लंज, बहुत ही अच्छा वर्ड है, इट मीन्स एंट्री एंड एक्सेस समथिंग, प्लंज। ओके। जबरदस्ती तरीके से डाउन सिचुएशंस में। स्टम्पेड, इट मीन्स बोल्ट एंड रन चार्ज समथिंग, एक तरह से कह सकते हैं भगदड़ जिसको आप कहते हैं ना, उसको कहते हैं स्टम्पेड। ओके। अगर अगर इट मीन्स प्रोग्नोस्टिकेट समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके। भविष्य जिसको आप कहते हैं बतलाना। डेस्परेशंस, इट मीन्स डेस्पियर समथिंग, राइट। कॉलेशंस, इट मीन्स टिंक्चर्स एंड यूनियंस, ग्रुप संबंधिंग, संगठन संबंधित, राइट। बॉयकॉट, इट मीन्स एस्ट्रेंज समथिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉयकॉट। इम्यून, इट मीन्स अनफेटर्ड समथिंग। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स देखिए, बैनिस, इट मीन्स वर्ब की तरह होता है यानी कि डिस्पेल समथिंग एंड रेलिगेट समथिंग। ओके।
ये थे सारे के सारे वर्ड्स। आई होप सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। इफ यू लाइक द वोकैबुलरी वर्ड्स, इफ यू लाइक द माय एफर्ट्स, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।